न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को सुबह ही बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा करते हुए सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। और इस दौरान ही उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, CDO डॉ. ललित नारायण मिश्र और अपर जिलाधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, SDM कुमकुम जोशी सहित निर्मादायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड दौरे पर हैं। ऐसे में अपने दौरे के पहले दिन वो आज पंत नगर कृषि विद्यालय पहुंचे और जहां पर इस दौरान उन्होंने कुलपति मनमोहन सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया है और जिसके बाद से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 112वें अखिल भारतीय किसान मेले में पहुंचे और यहां विश्वविद्यालय द्वारा लगाए कई स्टॉलों का अवलोकन भी किया है। और वहीं इसके बाद कोश्यारी ने गांधी हॉल में किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए प्रयोगों का लाभ देश भर के किसानों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस कृषि विश्वविद्यालय को शिखर पर पहुँचाना है। देखिए, मैं हो गया भैया एक किसान का बेटा हूं और किसान मेले में पहुंचा हूं और सौभाग्य से किसान मेले में अभी तक मैं जो देख रहा हूं, हमारे विश्वविद्यालय के यहां के जो बच्चे हैं वो अनेक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पन्नगर विश्वविद्यालय का वैसे बहुत बड़ा योगदान है और हमारी इच्छा ये है कि हमारे नए बच्चे, हमारे वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर सब मिल करके एक बार फिर से पंतनगर विश्वविद्यालय को ऐसा ऊंचा स्थान दें कि दुनिया में फिर से जैसा इसका पहले नाम था वैसा नाम हो, इसी कल्पना से मैं यहाँ आया हूँ। अंकिता हत्याकांड में CBI की जांच और VIP का नाम उजागर करने की मांग को लेकर तमाम छात्र संगठन श्रीनगर में पैदल तिरंगा यात्रा लेकर ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने तिरंगा रैली को अपना समर्थन दिया है और उनके साथ गंगा भोगपुर में मौजूद अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिसोर्ट की ओर चल दिए और बैराज पुल पर ही सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने लोगों को बैरिकेडिंग कर रोक लिया है और जिससे लोग नाराज भी हो गए, जिन्होंने पुल पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लोग उग्र हो गए और उनकी पुलिस के साथ झड़प होने लगी। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बीच ही पुलिस ने 2 दर्जन के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लक्ष्मण झूला थाने पहुंचा दिया है। देखिए, तिरंगा यात्रा कल से चली थी जैसी हमारी सूचना थी, तो क्योंकि अभी बंतारा रिजॉर्ट जो हमारा घटना स्थल है उसको पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है वहाँ पर, और LO की संभावना हमें प्रतीत हो रही थी, तो इसलिए वहाँ जाने देना किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, वहाँ का जो घटनाक्रम अभी बन रहा है ताकि एक संदेश जाए और CBI की मांग हम कर सके। लेकिन ये सरकार जहाँ बुलडोजर को जाने दे रही है, लेकिन हमारी जो तिरंगा यात्रा, जो शांति प्रिय यात्रा है, जो एक मैसेज है उत्तराखंड के लिए सभी को बाहर निकलकर CBI की मांग करने, उसको नहीं जाए। हम चाहते थे कि अपनी अंकिता बहन को वहां जाकर श्रद्धांजलि दे। मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने कोतवाली मंगलोर गेट पर मृतक का शव रखकर जमकर हंगामा काटा है। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़े हुए हैं और पुलिस ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत किया है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दे दिया है। मुझे कई दिन से घुमा रखा, मैंने FIR करी, मुझे गेलो जवाब नहीं मिला सर उसका। आज एकदम इन्होंने मुझे उसका जवाब दे रहे हैं, हमने वो पता कर लिया है कौन है कौन नहीं, मुझे अब तक उसका बताया भी नहीं गया वो कौन है। बाइक सवार मेरा बच्चा मर गया, आज पता लग रहा है ना, मेरे घर का नाश हो गया सर। उस दिन से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे इंसाफ चाह रहा है सर, इनसे मैं जब भी जाऊँगा जब मुझे इंसाफ मिल जाए। निवासी लड़के की एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उसको यहाँ से गंभीर रूप में अवस्था में देहरादून
भेजा गया था, वहाँ उसका उपचार चल रहा था, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। उसके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद जब वो गांव ले जा रहे थे, उन्होंने यहाँ रखकर जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे थे। उनको समझाया गया कि इसमें जो विधिक कार्रवाई है उसमें तत्काल पुलिस जो विधिक कार्रवाई कर रही है। बीते 13 अक्टूबर को ग्राम जुड़का कुंडेश्वरी निवासी स्टोन क्रेशर स्वामी महल सिंह अपने फार्म हाउस पर बैठकर सुबह अखबार पढ़ रहे थे कि दो नकाबपोश अज्ञात शूटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद से ही मृतक के भतीजे करमपाल सिंह ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ कुंडेश्वरी चौकी में घटना की प्राथमिक दर्ज करवाई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने इस मामले में तत्काल निरीक्षण कर घटनास्थल से हत्या का अनावरण करने के निर्देश पर अभय सिंह, पुलिस अधीक्षक उपराग रुद्रपुर श्री चंद्र मोहन सिंह और पुलिस अधीक्षक काशीपुर और सीओ वंदना वर्मा को टीम के साथ लगाया गया और एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने घटना का पर्दाफाश करने में अपनी पूरी जान लगा दी। अभिजोत को प्रभराज सिंह उर्फ पन्नू जो है वो अपने आप में मोटिव रखता था, ये केवल एजेंट नहीं था अर्जित काला का, वो खुद ही क्रशर लगाना चाहता था जिसका महल सिंह अड़ंगा लगा हुआ था। तो अथा जो है वो खुद ही मोटिव रखता था और वो और अर्जित मिलकर कॉन्स्पिरेसी रचाई। अब रही बात है सुखदेव सिंह उर्फ सेबी, वो कोई और नहीं है अर्जित काला जो मकान बना रहे, आप सबको पता है कि कितना बड़ा मकान बन रहा है उसका, उस मकान का सब कुछ केयरटेकर वही है। शाम को जब शूटर आए थे उन सबको बुलवाना और रुकवाना और उनको रेकी करवाने में इन दोनों का बहुत बड़ी रोल रहा है। सेबी और रजविंदर ने शूटरों को रुकवाया। वो जो गली है जहाँ पे महल सिंह का मकान बनता है वो बहुत मतलब चौड़ा नहीं है, वो बहुत कंजस्टेड है और जाने के लिए कम से कम 3-4 बार रास्ता जानना चाहिए तभी जा पाएंगे वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें शाम के बाद वो रेकी करवाना ये सब इन दोनों ने किया है। में कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर जो है कुंडेश्वरी में जो है महल सिंह स्टोन क्रशर है मालिक है इसकी गोली मारकर हत्या कर की गई थी। एक सनसनीखेज घटना थी, पुलिस ने इसको बेहद संवेदनशील तरीके से एक चैलेंजिंग टास्क के तौर पे लगातार रात दिन इसमें काम किया। हमारी तमाम टीमें इसमें लगी हुई थी जिसमें एसओजी काशीपुर ने बहुत अच्छा कार्य किया, एसएसपी उधम सिंह नगर इसमें रात दिन स्वयं कैंप करके यहाँ लगे हुए थे और आज जो है घटना का खुलासा हुआ। उत्तरकाशी में मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ज्ञानसू शोल्ड ऊपरी कोट मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड उत्तरकाशी की ओर से किए जा रहे हैं रिपेयरिंग के कार्य में ही संबंधित विभागीय अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से मानकों के वितरित कार्य किया जा रहा है और मिट्टी के ऊपर कोतार बिछाकर ही खाना पूर्ति की जा रही है। इसकी जानकारी मिलने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में ही विपिन नेगी सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मानकों के विपरीत चल रहे कार्य का विरोध भी किया है। नेगी ने बताया है कि ज्ञानसू शोल्ड ऊपरी कोट मोटर मार्ग सालों से बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है, तो वहीं अब जब लोक निर्माण विभाग को जब इस सड़क की याद आई तो इस पर लाखों के बजट को खर्च करने के बाद खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि ये सड़क करीब 12 गांव की लाइफ लाइन है और उसके बावजूद भी ठेकेदार और विभाग की ओर से सड़क पर मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और जहां पर क्रेशर के पत्थरों का प्रयोग होना चाहिए था वहाँ पर सड़क की दीवार पहाड़ी से पत्थर निकाल कर खाना पूर्ति की जा रही है। है जहाँ पर लोक निर्माण विभाग की ओर से इस समय रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है और इसमें जो देखा जा रहा है इनके द्वारा जो मानकों की जो अनदेखी की जा रही है, क्योंकि रिपेयरिंग में इस रोड पर काफ़ी लंबे समय से रिपेयरिंग में होने के कारण काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे और पैच बने हुए हैं जिस कारण जो कि दुर्घटना का सबब बने हुए थे, लेकिन अभी जो रिपेयरिंग की जा रही है उसमें देखा जा रहा है कि मानकों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसमें हमने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी दे दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है और इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता
हसनैन मलिक ने किया है। और आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन मलिक ने कहा है कि उत्तराखंड के नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कर विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी की तरह बड़ी सोच रखकर कार्य करना चाहिए, तभी प्रदेश का चहुमुखी विकास संभव हो पाएगा। उनके नेतृत्व में सितारगंज क्षेत्र सहित उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली जो आज केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण धूमिल होती जा रही है। हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जन्मदिन तमाम हमने गरीबों के साथ इस बात का मनाया है, वो गरीबों के मसीहा थे और आज हमने ऐसी जगह चुनी जो हम गरीब बस्ती में जाकर उनका जन्मदिन मनाने का मकसद इसलिए है, उन्होंने गरीबों को नीचे से उठा के ऊपर तक लाए और उन जैसा नेता हमारे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर जितनी उन्होंने कार्य किए विकास से लेकर तमाम विकास के रास्ते सब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ले गए। और आज हमने जो संकल्प लिया है वो इस बात का लिया है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के रास्ते पर चलेंगे और उनके रास्ते पर चलते रहेंगे। पवित्र छड़ी यात्रा का ही आगाज 24 सितंबर से शुरू हो गया है जो कि चार धाम और पूरे उत्तराखंड में जाएगी। और आपको बता दें कि 1 नवंबर को छड़ी यात्रा समाप्त होगी। छड़ी यात्रा को लेकर ही जोशी मठ पहुंचे साधु संतों ने प्रशासन की अव्यवस्था पर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया है और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित साधुओं को शांत भी करवाया है। पुलिस के आश्वासन के बाद साधु जो है वो शांत नजर आए। गदरपुर की सेठी मैरिज पैलेस में ही विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रुद्रपुर से आए हुए एक परिवार की बच्ची मैरिज पैलेस के अंदर ही बने हुए सीवर लाइन के हॉल में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक बच्ची के रिश्तेदार वसीम ने बताया है कि हम लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए रुद्रपुर से आए थे, तभी उनके रिश्तेदार की बच्ची गुम गई और काफी ढूंढने के बाद बच्ची का शव शिविर में तैरता हुआ मिला है जिसका जाला खुला। तब परिजनों ने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले में गैर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। मामला पूरा यह, आज हम लोग रुद्रपुर से शादी में आए थे, एक छोटी सी बच्ची है लगभग होगी 1 साल की, अब यहाँ पर खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे तो ये होटल वालों ने एक चैम्बर बना रखा है यहाँ पर पास में, उस चैम्बर में बच्ची गिर गई और चैम्बर की गहराई भी काफ़ी है, बच्ची जब फूल गई ऊपर तब ऊपर आई है, जब हम लोग ऊपर चला है, हमने होटल प्रबंधक वालों से कहा है तो वो होटल प्रबंधक वाले ये कह रहे हैं कि गलती आपकी है, हमारी कोई गलती नहीं, आपको देखना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।